एक पार्ले जी का पूरा बाम लगे तो दोस्तों हम सुबह सुबह यहाँ पे पहुँचे हैं और जगह ये चुने हैं, यहाँ पे चराई करना है अपने को। ज़्यादा कुछ नहीं, आटा थोड़ा सा लिया हूँ, इसमें कोंडा मिक्स करूँगा और थोड़ा सा हलवा। यहाँ पे चराई करके अपन ने थोड़ा सा आटा लिया है और इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा कोंडा। एक मुट्ठी आटा में कोंडा दो मुट्ठी ले लिया हूँ। ये है हलवा, ये हलवे भी बहुत चल रहे हैं, हलवे का हलवा फेमस हो रहा है। बाइट में बिस्किट इस्तेमाल करने वाले, तो थोड़ा सा बिस्किट का टेस्ट चराई में भी दे देते हैं। थोड़ा सा ये पाउडर वाला डब्बा है, तो इसको भी थोड़ा सा दे देते हैं। चीज़ का पाउडर चराई का दोस्तों, इसमें मिट्टी डाल दूंगा थोड़ा सा। तो ये मिट्टी जो है खेकड़े ने निकाला है, तो ये मिट्टी है ना, अपन इसमें डाल देते हैं। कैसा मच्छी ये पूरा ख़त्म भी नहीं कर पाएगी, वहीं रहेगी, अपना बाइट क्लियर क्लियर मिलेगा उसको ना, तो बाइट उठाएगी अच्छे से। तो मस्त हो गया मिट्टी के साथ में मिक्स, तो चलो इसकी बना लेते हैं लड्डू। ये चराई ना, ये चराई है। कली भाई ये इकडे चराई करता है आणि चराईची सगळी माहिती मी तुम्हाला देईन थोड्या वेळात। आधी चराई करूया आपण आणि थोड्या वेळ खेळूया, मरळीसाठी खेळूया, तोपर्यंत मासे पण जमा होतील, मग आपण इकडे खेळूया, फ्लूट फिशिंग खेळूया किंवा सिंग फिशिंग खेळूया, दोन्हीपैकी काहीतरी एक। मारला का थोडस? लड्डू बना चला थोड़ा सा, ये खुला भी, खुला भी हाँ, बिखरा हुआ दिख रहेगा ना, तो चाटते चाटते वो वहाँ पे पहुँचेगी जहाँ की तादाद ज़्यादा है, तो ये अच्छा करके फेंक दो। चांगले बरस है। तुम एक विचारू का, तुमचं एज काय दादा? आता माझे 55 जितलेला। मी तो अमेरिकेवर करून येतो, इथं आलं की मला फोन करा। बरोबर मिलिंग बा मला। अरे 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 खिचकी मच्छी देव इतने जमके लेके जा रही हो? हाँ ना, कैसे बिना इसके कुछ लेके गई वो तो। अरे निकल जाएगी, नहीं निकलता में लगी रे। तुमसे खींच लिया ना? एकदम से खींच लिया, हो गया रिकॉर्ड मेरे इसमें। हाँ क्या मासा मिळाला? बऱ्याच वेळानंतर एवढे प्रयत्न करत होतो, मिळत होता, आता हा मासा स्वतः सोडून नेलं त्यांनी। आणि ऊन इतकं आहे ना, आम्ही सावलीमध्ये बसलो वगैरे, आख के पास लगा करके ये भाता। अच्छा हुआ उसमें रस्सी पीछे बंधी हुई थी। हाथ में से नहीं दोस्तों, हम बाइट बना रहे हैं। अब तो पहले दो मुट्ठी आटा लेते, पूरा शाम तक की बाइट बनाना है अपने को। ये दो मुट्ठी आटा हो गया, तीन मुट्ठी कोंडा, एक पार्ले जी का पूड़ा, ये अपना ऐसे शाम भाई ने जो दिया है थोड़ा सा वो मिक्स करना है इसमें फ्लेवर के लिए, उनका बाइट है ये। हलवा बोलते ना क्या बोलते? नहीं ये हलवा नहीं है ये, और ये थोड़ा सा फिरोज खान वाली चटनी, इतना
गुलकंद के जैसा दिखता है। अरे तूने रावा लाया था, खत्म हो गया क्या सोहेल? कुछ तो मिसिंग लग रहा है। अपने को जहाँ खेलेंगे वही तालाब का पानी चाहिए, क्लोरीन पाया जाता पीने के पानी में, उससे मच्छी भागती है। इसको ऐसा भुरभुरा रखना है दोस्तों, ऐसे लगाने के टाइम पे ऐसा, ताकि वहाँ है ना मच्छी पानी में ऐसा घुलना चाहिए। कैसे भी जाके गिरेगा ना जमीन पे, कैसे भी फेंकेंगे अपन, तो एक जो हिस्सा रहता है ये ऊपर की तरफ रहती है। मच्छी जब भी खाएगी तो ये ऊपर के हिस्से में खाती है, और यहाँ खाने के टाइम पे डायमंड पे अपना अपने को इशारा मिलता है, तो इसके कारण जब हम खींचते हैं तो ये ऐसा करके इसमें ऊपर के इसमें लगता है। किधर से भी गिरेगा तो एक हिस्सा ऊपर आना चाहिए, वो हिसाब से इसको एक इक्वल रखना है तीनों तरफ से। तो ये है अपना, अपने को खिंचाव के लेवल में रखना है, ताकि अगर मच्छी खाएगी अगर डायमंड, डायमंड में जानबूझ के बड़ा बनाया हूँ, क्योंकि धागा मोटा था, छोटे डायमंड में पता नहीं चल रहा था मच्छी खा रही। अभी शायद खाए तो आपको इशारा दिख जाएगा यहाँ पे। बस कोशिश कर रहा हूँ कि मच्छी खाए ताकि इशारा मिले अपने को। ये देखो शायद ये बारीक मच्छी तड़ 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 करके खाएगी। अब क्या था पता नहीं, मैं इस कैमरे के स्क्रीन पर देख रहा था मैं, तो ऐसा चाल आ जाती है, बारीक खाए बड़ा खाए, बस अपने को वो चाल समझना पड़ता है कि रोहू कौन सा खा रहे, कतला कौन सा खा रहे और मृगल कौन सा खा रही है। तो वो चाल समझने के लिए काफ़ी अपने को प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। अरे अरे यार, अरे लगा वाले, अरे छूट गए, छूट गए यार से। ये देखो ये इशारा आ रहा है, मैं आपको बताने के लिए नहीं मार रहा हूँ। ये देखो ये देखो कैसे कैसे इशारे कर रहे मच्छी। कैमरा बंद है, बंद है। नंबर अच्छा साइज है कली इसके, तो यार मेरा उधर बंद हो गया, अभी गर्म हो गया, नहीं तो गया लाना। पहले लगे किसे मुंह में अटक गया रे एकदम, अच्छा खाया था उसने, चोट लग जाएगा इसको पत्थर में। देखिए बेहतरीन साइज, बिल्कुल लाल परी, लाल परी, लाल परी पंखुड़ी वाली। सर खोल, तो ये रखते हैं दोस्तों, ये बेहतरीन साइज अभी का। ये हुई ना बात, उठाने नहीं आ रहा मामू, धागा पकड़, धागा धागा। अगर सोहेल को भी लगा एक अच्छी अच्छी साइज लगी, अच्छी साइज है, बहुत खाया। लग गया। नेट इधर आती है,
देखो कैमरा चालू है। हाँ कैमरा चालू। क्या यार मैंने देखा ही नहीं कैसा शॉट मारे तो ये। देख रहे हैं धागा पत्थर में कटेगा, मैं इसको थोड़ा सा सही कर लेता हूँ। अच्छी साइज है ना? गजब साइज है। अच्छा मार बैठा उसको, धागा पत्थर में कट जाएगा। अब ये फिर से मेरे को सीखना पड़ेगा आप तुम्हारे पास बैठ के। दोस्तों अभी योग भाई को छड़ी दिया हूँ खेलने के लिए, सिंह का शिकार मैंने 2-3 पीस मारा उसमें से, और ऐसे ही कुछ जुगाड़ लगा के देखता हूँ इसमें लग सकता है क्या। तो ये भी यहीं पे डालता हूँ। देखेंगे धागा हिलेगा और मारूंगा, लग गया तो लग गया। अरे यार से कैमरा चालू मेरा, देखो क्या यार, सक्सेस हो गया अपना काम। सिंह का कौन बर्दाश्त करे, लपेटो फेंको। ये देखो कैसे झटका मार रहा है यार, तड़ 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 तड़। ये काफी छोटा साइज है दोस्तों, और छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि सिंह का शिकार है। सिंह का शिकार बहुत भयानक होता है, काफी छोटी साइज, अब तक के सबसे छोटी साइज मैंने मारा है। सिंह शिकार वाले क्या है, गया बेशरम घुस के ना, मैं ढीला करके रखा था तुलसी तो जाने के लिए, गया ना बेशरम में अटक गया ना सर, ये ढीला रख के गया ना मच्छी, टिक्की भी गया हमने। कैमरा बंद हो गया ठीक है, तो कोई कोना में चल जाओ तुम। क्या यार मैं कितना बदमस्ती के यार, मैं सही में चालू करो कैमरा बंद है क्या।
इंदिरा पावर अच्छा लगा किस तरह से लग रहा है दोस्तों। ये सिंह का सेम तरीका खेल रहा हूँ, इसमें डायमंड नहीं है, सिर्फ धागे के इशारे से हम मार रहे हैं। सादा हेल्प करने वाले हैं अपना विदर्भ फिशिंग वाले। ये देखो दोस्तों बहुत अच्छे अच्छे साइज लगे अपने को, तीन चार सेम सिंग सिखा, सिर्फ सिंग छड़ी नहीं था, बाकी सेम हर चीज था और उसमें डायमंड नहीं था, तो हम धागे के इशारे में जो भी पकड़े ये है पूरी अच्छा नई टेक्निक आज नया कुछ तो सीखने मिलने वाला है। कलीम भाई ने जो टेक्निक ईजाद की है ना आज, मतलब सिंह शिकारी बोल सकते हैं, सिंह शिकार का वो डेवलप वर्जन आप बोल सकते हैं, जिससे कि आपकी तगी आपको कितने क्या वो बिलान क्या बोलते हैं बाम, कितने बाम लेना है वो सारा मसला ही खत्म हो जाएगा। आपको जितना बाम लेना है आसानी से ले सकते हैं, रील से रील कर सकते हैं, तगी भी टाइट होगी और तगी उलझेगी नहीं, सबसे बड़ी बात। बराबर बराबर एक नंबर मजा आया, मैं भी पकड़ा कलीम भाई से थोड़ा कुछ सीखने के लिए मिला। थैंक यू सो मच। तो वीडियो कैसी लगी लाइक जरूर कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना जो नए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और एक बार आप जरूर ट्राई कीजिएगा आपको अगर मौका मिले तो। बैठ।